You know, she's like, she's a chiller, she's a, the life of the party, and I think wo same hi raha hai. I think sab uske saath bahut comfortable hai aur wo bahut like dosti kind of feeling aati hai Bhumi ke saath. Jab aap mile nahi the tab. Achha. Jab main mili nahi aur jab aur jab mili thi aata Bhumi jab nahi mile और जब मिले मिले बता दिया जब भूमि नहीं थी मैंने सोचा वो बहुत सीरियस होगी क्योंकि वो इतनी लाइक यू नो सीरियस फिल्में करती है वो यू नो फिल्मों के बारे में बहुत बात करेगी और टिप्पणियां देगी मुझे पर यू नो पकाएगी टिप्पणियां बहुत चिल्ड आउट थी और कार्तिक के साथ मुझे लगा था कि वो बहुत क्यूट है लाइक मैंने कहा था लगा था क्यूट है आई सेड आई हैड अ क्रश ऑन हिम एंड देन व्हेन आई मेट हिम आई It got concrete that I still found him very cute or very charming. Basically, my first impression of Karthik, because I'd only watched his films, was like, you know, he's a fun guy. You know, he's sweet, and you know, I think I really enjoyed his comic timing, etc. But now that I know him as a person, I think he has a lot more gravitas than you see like in his films. Oh. He's still a lot of fun, and he's just a people's person, which is a great attribute to have. Yo. Me? Oh, oh. Baba. How can Thank I forget AP? Ananya, because there. I had, I mean, I literally only got to know her now. So I think I'll only speak about my first impression of her. I think she's an extremely sweet person. She's very warm and she's very hardworking and she's very mature for her age. I think Bhumi ke liye main bolunga ki mere ko aisa laga tha ki bahut गार्डेड रहेंगी इनसे बात क्या कैसे बात करूँगा क्या बात करूँगा वैसा फीलिंग आता था मेरे को नहीं पता था जब मैं नहीं जानता था इनको एंड से अमेजिंग थिंग्स लिखा होगा ऐसा ऐसे लिखने वाली लड़की नहीं होगी ऐसा लगता था मुझे और इन्होंने एक्चुअली ये जितना इनका स्वभाव मेरे को लगता था उसका टोटली अपोजिट निकला जब मैं इनको मिला एंड मैं गॉसिप करने लगा इनके साथ मैं बातें कुछ भी कर सकता हूँ कुछ भी बोल सकता हूँ वैसा फील आया और बहुत चिल्ड आउट एक वाइब है जो Bhumi के साथ रहा मेरा सो आई थिंक वो बिल्कुल उल्टा था जो मैं सोच रहा था विच इज़ वेरी गुड देन अनन्या के बारे में अगेन अनन्या के बारे में मेरा जब मैं नहीं जानता था मुझे लगता था ये मतलब बहुत शांत किस्म की होंगी या कुछ भी बिल्कुल भी नहीं बोलती होंगी और शायद से बिल्कुल फनी नहीं होगी एक्चुअली ये लगता था लेकिन जब मिला और जब हम लोग ने बातें करना चालू किया एंड हम लोग जब काम कर रहे थे आई रियलाइज कि शी हैज़ अ फनी बोन एंड इनसे मतलब एक सेंस ऑफ ह्यूमर है और कॉन्वर्जेशन बहुत किया जा सकते हैं तो या 100% मतलब that you know once you walk out of once you've experienced the film you know we've always said that yes there's entertainment there's a lot of comedy there are laughs but it's not a frivolous film you know and we are very confident of it and especially now that the reviews are coming in and the kind of reviews that are coming in we've become more confident about our content basically content is film ka bahut jiske liye hum sab ne actually hum sab ne film हमने कंटेंट के लिए करते हैं आजकल तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट पति पत्नी और वो का कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है जो हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और एंटरटेनमेंट और कमर्शियल या फिर लाफ्टर के अलावा ऑफ कोर्स इसमें मैसेजिंग भी एक सटल तरीके से है जो आप रियलाइज़ करेंगे जब ये 6 तारीख यानी कि कल रिलीज़ हो रही है फिल्म और बहुत सारे रिव्यूज़ ऑलरेडी जैसा Bhumi ने बोला कि ऑलरेडी आ चुके हैं तो उनमें भी वो बात की जा रही है अगर आप पढ़ेंगे तो वो एंड पीपल आर लविंग इट एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ द थिएटर लाफिंग एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द मैसेज दैट इज़ बीइंग गिवन इन द फिल्म सो सिर्फ गैग्स नहीं है इस फिल्म में सिचुएशनल कॉमेडी है विथ मैसेजिंग सो अच्छा है ना शुरू हुआ है क्योंकि अगर एक कॉर्पोरेट सेटअप होगा जैसे आप एक ऑफिस में जॉब के लिए जाते हो तो एक सिस्टम होता है यू नो एक अलग अलग आपको प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है सो आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड कि कास्टिंग डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इंडिया में आ गया है जिसके वजह से कोई एक्सप्लॉइट नहीं होता बस दूसरा सवाल है हाँ जी इतने कम दिनों में 2015 में शुरू किया जी सर इतने कम दिनों में आपने मोटी का रोल कर लिया काली का रोल कर लिया जो कई सालों बाद चैलेंजिंग रोल करते हैं जी सर जी सर 5 साल में ही कर लिया थैंक यू
सर बहुत मेरे को लगता है मैं बहुत ही लकी हूँ एज एन एक्टर, क्योंकि जैसा कि आपने कहा मेरे 4 साल के सफ़र में मैंने इतने भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार प्ले करे हैं। स्पेशली अगर आप ये 1 साल देख लें मेरा, मुझे लगता है कि गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड और मैं यही होप करती हूँ कि आगे भी मुझे इसी काइंड के रोल्स आते रहे, क्योंकि एक एक्टर को और यही एक एक्टर यही चाहता है सफलता के लिए। I think the reason why I chose the script was because there have been a lot of love triangles in the past. I've done one myself, but I think this is a very different version. It's a very modern version, and the previous, like the original film, it was released like 40 years ago. So the audience has changed a lot, the times have changed a lot, and relationships have changed a lot. So I think the film that we've made, or attempted to make at least, is very different. It's very modern, it's very relatable, and it's a very universal thing. And the I think the best part about this film is are the dialogues and the, it's so funny, it's so humorous, and I think the way that they've shown like Kanpur and the way Kanpur. That the dialect of the film, the accents, I think that was the most interesting part. No, see, I'll tell you what. I promise you, when you go watch the film, you're not watching the same film that was made in 1978. You know, the world, as Ananya mentioned, it's been 40 years. We as human beings have changed extremely. You know, today a woe doesn't have to be another human being. It can be your phone, it can be your boyfriend's PlayStation. You know, it can be anything, you know, or it can be another person. And even if it's another person, it is okay, because today you don't look at things as black and white. You're not ostracized for stepping out of a marriage or a relationship today, because things have gotten a lot more complicated and we have really evolved. We've become evolved as a society. You know, it is not a regressive film, it's a progressive film, and that's what we are trying to show, you know, how the middle class, which is the strongest section of the society in our country, has changed extremely over the last 40 years. How they've just become open-minded, because that's what India is, you know, India is progressive. And all the three characters that you see in the film are breaking every kind of stereotype that you've shown, where a pati is. Why? Once you see the film, you'll realize ki what the messaging is, because we can't reveal the whole film in a trailer. So it's a 2.5 minute entertainment ka trailer hai. Reactions that we've already fantastic. Got, and I think it's completely opposite to what people have been expecting of the film. So I think once people watch the film, they'll get that. धड़कन ये कहती है, दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना. दिस इज तू ही यार मेरा, जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है ये गाना. रोमांटिक सॉन्ग है ये फिल्म में. एंड इसके अलावा हमारे पास बहुत इसका म्यूज़िक भी बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है ट्रेलर के अलावा. आई थिंक भिन्न भिन्न प्रकार के गाने हैं इस फिल्म में. चाहे वो धीमे धीमे हो गया है, वो बहुत बड़ा हिट हो चुका है. अखियों से गोली मारे बहुत चल रहा है. भिन्न भिन्न प्रकार में अभी दिलबरा है, जो कि सैड सॉन्ग है. हर मूड के लिए गाना है. You know, if you are in a heartbreak, soulful mood, दिलबरा सुनिए. जो हमारा हाँ बोले जो हमारा नहीं अगर आप पार्टी करना चाहते हैं, या आप थोड़े मतलब मस्ती के मूड में अखियों से गोली मारे, धीमे धीमे जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, चिल जस्ट ग्रूव. एंड आई थिंक इफ यू फॉल इन लव देन यू कैन लिसन टू तू ही यार मेरा. आई थिंक तू ही यार मेरा सॉन्ग दैट गोस फॉर एवरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. सब मूड पे जाता है वो. मतलब मैं पिछले 2 दिन से ये सुन रही हूँ, और मैं जिससे भी मिल रही हूँ ना, गाना सुनते हुए मुझे इतना प्यार आ रहा है. अभी कहीं पे जाते हैं, लाउड स्पीकर पे कोई सुन रहा था वो गाना, एंड रेडियो में बज रहा था. सो आई थिंक वो तू ही यार मेरा बहुत ज्यादा it's being loved and it's a lot. Really caught up. It's definitely my favorite. It's my favorite. Yeah. मेरा भी favorite. I can't get over it. ये पूरी टीम ने last year तेरा यारू में बनाया था, by the way. Imagine. और तेरा यारू में के बाद तू ही यार मेरा बनाया. So और मैं बार बार ना ये confuse हो जाती हूँ दोनों नाम. ये कभी कभी तेरा यारू में बोल देती है इस गाने. मैंने कहा नहीं, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ.